नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जसपुरा बस हादसे के गंभीर घायल मरीजों को देखने जिला अधिकारी महेंद्र प्रताप बहादुर सिंह जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचे। गाड़ी संख्या UP90T9130 बांदा डिपो जो आज सुबह जसपुरा से बांदा के लिए 6 बजे रवाना हुई थी और पैलानी पुल पर एक ट्रक को क्रॉस करने में कोहरे की वजह से गाड़ी पुल में जसपुरा बस हादसे के गंभीर घायल मरीजों को देखने जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचे। गाड़ी संख्या UP90T9130 बांदा डिपो जो आज सुबह जसपुरा से बांदा के लिए 6 बजे रवाना हुई थी और पैलानी पुल पर एक ट्रक को क्रॉस करने पर कोहरे की वजह से गाड़ी पुल से नदी में जा गिरी। जिलाधिकारी ने बताया, इस घटना की सूचना मिलते ही शासन स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सहायतार्थ राशि मृतक को 2 लाख एवं गंभीर व्यक्ति घायल को 50,000 के सहयोग राशि प्रदान कर इलाज की हर प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। इस हादसे में चालक राम नरेश सिंह 40 वर्ष जिनकी उम्र बताई जा रही है कि मृत हो गई, जो कि परिचालक जितेंद्र सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया तथा 3 घायल यात्रियों को बांदा जिले के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अस्पताल परिसर पर सिटी मजिस्ट्रेट एवं नगर कोतवाल सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। जो सवारियां थी जो घायल यहाँ भर्ती उनसे बात हुई है मेरी, कोहरा काफ़ी था और सामने से ट्रक आ जाने के कारण बस ओवर स्पीड बताया गया है सवारियों द्वारा, बस ने मोड़ दिया, उसमें नदी में गिर गई, काफ़ी ऊंचाई से गिरी है। ईश्वर कृपा से 6 ही सवारियाँ थी उसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक मौत हुई ड्राइवर की उसको दुख व्यक्त किया है, उनके लिए 2 लाख की सहायता की घोषणा की है। बाकी सहायता जो होंगी वो भी दी जाएंगी। जो गंभीर घायल उसके लिए 50,000 रुपये की घोषणा की गई है और जो सामान गया उनकी 25,000 रुपये और उसमें दुख व्यक्त किया गया। मैंने सर, ये हादसे का कारण क्या है? जो सवारी से मैंने अभी बात की जो यहाँ भर्ती है उसने बताया कि कोहरा था, सामने से ट्रक आ जाने के कारण बस वाले ने पाए मोड़ दिया, उसी घटना हुई।